ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। एससी ने अपने फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका और नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उधर राजधानी में भारत टॉकीज के पास बने पुराने पुल का पुनर्निर्माण जल्द किया जाएगा, जो शहर के बस स्टैंड एवं पुराने शहर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ता है। वहीं अंत में बात करें तो राजधानी के निजी कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने विधवा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने जब युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वह मुकर गया। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, तो वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि सरकार ने अध्यादेश लाकर गलती की है, उसी की वजह से ओबीसी वर्ग का अधिकार छिना है, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोर्ट ने 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भारत सरकार ने संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया, जो अभी तक नहीं मिला था। हमारी सरकार ने जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, अन्य जो संस्थाएं हैं, उनमें पार्लियामेंट से ये व्यवस्था की है कि इसमें 27% आरक्षण ओबीसी के बच्चों को दिया जाएगा और लगभग 4000 बच्चों को एडमिशन भारत सरकार ने ये जो पार्लियामेंट से अमेंडमेंट किया है उसके माध्यम से मिलेगा। कांग्रेस ने आज तक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कोई भी काम नहीं किया है। भोपाल शहर में रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ वर्षों पुराना पुल काफी जर्जर हो गया है, जिसकी मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। यह पुल 1974 में बनाया गया था। भारत टॉकीज और रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ने वाला यह पुल अधिक पुराना होने के कारण इसकी बियरिंग क्षतिग्रस्त हो गई है तथा राइडिंग की स्थिति भी खराब है। ब्रिज की मरम्मत में लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके बियरिंग यदि चौड़ाकरण की आगे कभी प्लान बनेगा तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तो ये जिन पियर्स पर है उसमें जो बियरिंग हैं वो बियरिंग ख़त्म हो गए हैं, उनको समय रहते हुए चेंज नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। और आज हमने ये निर्णय लिया है कि अब जल्द से जल्द हम ये काम शुरू करेंगे और इसीलिए जिला प्रशासन के साथ भी बात कर रहे हैं। ट्रैफिक के डाइवर्जन का हमें एक बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, परंतु जब ये पूरी तरह संधारित हो जाएगा तो अगले 25 वर्ष के लिए ये फिर से नया जैसा हो जाएगा। राजधानी के बजरिया थाना क्षेत्र में एक निजी कंपनी में काम करने वाले युवक ने एक विधवा महिला से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। महिला अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह रेलवे में पदस्थ थी। आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इन्होंने 354 का और पॉक्सो में 7-8 धारा लगाई है, वो नॉर्मल उससे तो ज़्यादा ही होती है मुझे जहाँ तक लगता है।